Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। देखिए इस ये चैप्टर हम पहले एक बार और कवर कर चुके हैं लेकिन इसमें थोड़े और एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अगर आप जो है थोड़ा और डिटेल में इसको करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको जो है पहले जो लेक्चर करवाया जा चुका है जिसमें फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेल्स आपको दी जा चुकी है, तो वो एक बार आप वो चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, उससे जो है आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया को हम किस तरीके से फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारे इंडिया का जो एलिवेशन है मतलब हमारे इंडिया की जो लैंड है उसमें कहीं पर आपको जो है माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, कहीं पर प्लेन्स दिखाई देंगे, कहीं डेजर्ट और प्लेट्यूज और आइलैंड वाले जो एरियाज हैं वो मिलेंगे। तो देखिए यही हमारा जो है फिजिकल डिवीजन है। अब देखिए जो इंडिया का जो लैंड है उसको देखिए आप माउंटेन्स के अंदर, प्लेन्स के अंदर, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कई तरह की रॉक्स जो है वो भी पाई जाती हैं। कुछ हार्ड रॉक्स होती हैं जैसे मार्बल्स होते हैं, कुछ बिल्कुल सॉफ्ट रॉक्स मिलेंगे आपको जो जिनसे आप जो है एक तरीके की जो साबुन वगैरह होती है ये सॉफ्ट स्टोन जैसे कि साबुन बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट होती है, बिल्कुल इस तरह के स्टोन्स जो है कुछ आपको मिलेंगे। कुछ आपको वेरियस टाइप की सॉइल्स मिलेंगी जो कलर में डिफरेंट होंगी, जिनका जो है टेक्स्चर अलग होगा, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, इस तरीके की जो अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स हैं वो भी आपको मिलेंगी जो अलग अलग तरह की रॉक से जिनकी फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं विदरिंग, जैसे मैंने ये भी आपको बताया कि विदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है। देखिए ये जो है मतलब कुछ एंडोजेनिक, देखिए मैंने जो बताया था कि अर्थ की जो है दो फोर्सेस काम करती है, देखिए एक एंडोजेनिक होती है एक एक्सोजेनिक होती है। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं मेनली इन्हीं दो प्रोसेसेस से बनते हैं। एक्सोजेनिक वो फोर्स होती हैं जो अर्थ के बाहर काम करती है, और अर्थ के बाहर काम करने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे ये बताया विदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। देखिए सबसे पहले विदरिंग होता क्या है, देखिए विदरिंग जो है जब भी हवा पानी जो भी हमारी विंड होती है और वाटर होता है, आइस होती है, वो क्या करती है कि हमारे जो रॉक्स होती है उनका बार बार जब उनके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो रॉक्स होती है हमारी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उस छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स में टूटना ही उसकी क्या कहलाती है, विदरिंग। उसके बाद आता है इरोजन, इरोजन क्या कहलाता है, जब पानी उस उन टूटे हुए जो विदरिंग हुई है जिस पार्ट की रॉक्स की विदरिंग हुई है तो पानी और हवा के द्वारा उसको क्या किया जाता है, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, तो उससे उस जगह से उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, और दूसरी जगह पर ले जाकर जहां उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है वो उसका डिपोजिशन हो जाता है। तो आई थिंक ये तीनों प्रोसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या जो है विदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है और उसके बाद डिपोजिशन क्या होता है। तो ये हमारी क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस है। और एंडोजेनिक क्या होती है, जो अर्थ के अंदर होती है, जैसे कि अर्थक्वेक होता है, जैसे कि अर्थ के अंदर ही जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वो सारी अर्थ के अंदर से काम करती है इसलिए उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए जो हमारी जो अर्थ होती है ना उसका जो क्रस्ट होता है वो काफ़ी सारी प्लेट से मिलकर बना होता है। इसमें जो मेन जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है वो 7 मेजर प्लेट्स होती है और कुछ माइनर छोटी छोटी प्लेट्स होती है। इनके बारे में जो आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस की एनसीईआरटी होंगी उसमें कवर करेंगे कि वो कौन कौन सी प्लेट्स हैं और किस तरीके से वो वर्क करती है। तो देखिए जब भी इन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है, जब ये प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं, देखिए जो अर्थ के अंदर जितनी भी माइनर और जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है वो क्या करती है, आपस में उनके अंदर मूवमेंट होती है और उसी की वजह से क्या होते हैं हमारे, उसी की वजह से काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसी की वजह से हमारे अर्थक्वेक भी आते हैं, उसी की वजह से फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, और उसके साथ साथ वोल्केनिक एक्टिविटी भी उसी की वजह से होती है। तो ये मेनली हमारी जो है मूवमेंट होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। देखिए जो प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है कन्वर्जेंट। देखिए मान लिया ये 2 प्लेट्स हैं, ये एक इधर प्लेट है और एक ये इधर, और ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो एक दूसरे को कंप्रेस करेंगी और इस तरीके से ये क्या कर देंगी, इस तरीके के फोल्ड बना देंगी। मतलब आप देख रहे हैं इस तरीके से ये फोल्ड
ऐसे क्रिएट कर देंगे और एक तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने आपको जब हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो इन्हीं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से हुई है, जिसके द्वारा जिसमें क्या हुआ कि टू जो प्लेट्स है वो आपस में कन्वर्ज हुई और उन्होंने क्या क्या बना दिए इस तरीके की, मतलब उसमें एलिवेशन और इस तरीके के फोल्ड जो है वो क्रिएट हो गए। और जब ये फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से माउंटेन बिल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जैसे नाम से आपको पता लगे डाइवर्स, जो एक दूसरे से दूर दूर मूव कर रही है। जब एक दूसरे से दूर भागती है, वो एक दूसरे से दूर मूव करती है, तो इनके बीच में एक फॉल्ट यानी दरार क्रिएट हो जाती है, फॉल्ट बन जाता है और उसकी वजह से इस तरीके के माउंटेन बनते हैं। और इनको क्या बोला था हमने, ब्लॉक माउंटेन्स बोला था। तो देखिए जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से बीच में क्रैक पड़ जाता है और क्रैक पड़ जाएगा तो क्या होगा, जिस हिस्से में क्रैक पड़ा है वो पार्ट नीचे की तरफ धस जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से दूर भागती है तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखिए इसके अंदर क्या करती है कि प्लेट्स जो है ना तो दूसरे से दूर भागती है और ना ही कन्वर्स करती हैं, ना ही डाइवर्ज होती हैं ना कन्वर्स होती हैं। ये क्या होती है, बस हॉरिजेंटली जो है इनके अंदर मूवमेंट होती रहती है, हॉरिजेंटली इस तरीके से मूवमेंट होती रहती है, तो एक दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये आपस में इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो ये हो जाएंगे हमारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस तरीके से मैंने बताया कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो भी प्लेट्स पाई जाती है उसमें तीन टाइप की जो है मूवमेंट होती है, सबसे पहले बताया कन्वर्जेंट, उसके बाद डाइवर्जेंट एंड थर्ड हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप जो मैं देखना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे कि जो माउंट जो वुल्केनोज और जो अर्थक्वेक होते हैं ना, वो मेनली कहाँ पर लाई करते हैं, जहाँ पर प्लेट मार्जन हो, ये हमेशा मतलब जहाँ पर भी वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं ना, वो मेनली कहाँ पर लोकेट होते हैं, वो जो है प्लेट मार्जन पर होते हैं। क्योंकि देखिए जब वो प्लेट आपस में मूवमेंट करती है तो उसी की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है। क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी तरह जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे में कन्वर्ज करती हैं तो क्या होती है, वो एक प्लेट जो होती है जो भारी होती है वो नीचे की तरफ धस जाती है और जो हल्की होती है वो ऊपर की तरफ ऐसे उड़ जाती है। तो वो क्या होगा कि नीचे की तरफ जो मैग्मा पाया जाता है वो उसको क्या करेगी, पुश करेगी, और जब उसको पुश करेगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उससे क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा और वो इस तरीके से वहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो हो जाएंगी। तो मोस्टली जो भी वोल्केनिक और जो अर्थक्विक वाली सिचुएशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्विक आते हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनो इरप्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो मेनली वहीं पर होते हैं जहाँ पर हमारी प्लेट प्लेट्स जो है वो दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं। तो इस ये चैप्टर मैंने जो है आपको इसके बारे में डिटेल में काफ़ी डिटेल में मैंने जो आपको वोल्केनो और अर्थक्विक वाले लेसन में मैंने आपको करवाया, जिसमें मैंने अर्थ की दो फोर्सेस के बारे में आपको बताया था, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो उसके लिए आप वो वाला चैप्टर प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर अभी जो है ये माउंटेन्स आप जो देख रहे हैं, ये माउंटेन्स हैं जो इस तरीके से आपको दिखाए हुए हैं। तो ये माउंटेन्स जो है ये एक तरीके का क्या है, लैंडफॉर्म फीचर्स है जिनके बारे में हम बात की। तो ये रिवर्स जो आपको दिखाई दे रही है ये जो है एक तरीके के प्लेन्स बनाती हैं, नर्दर्न प्लेन जिनकी हम बात करते हैं, तो प्लेन्स जो है हमारे जो प्लेन्स बनाती है, तो ये भी एक तरीके से हमारे क्या लैंडफॉर्म्स हैं, ये हिमालय से ये लैंडफॉर्म्स है। नीचे हमारा जो है पेनिनसुला प्लेट्यू आता है वो भी हमारे क्या एक तरीके से लैंडफॉर्म है। देखिए अब हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड के बारे में। अब गोंडवाना लैंड क्या होती है, अब देखिए गोंडवाना लैंड जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास जो कि मतलब एक जो हमारा पेनिनसुला जो है ना, पेनिनसुला जो इंडिया का जो पेनिनसुलर हिस्सा है, जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखिए इस गोंडवाना लैंड के हिस्से में कौन कौन से जो कंट्रीज आते हैं, देखिए इसके अंदर जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये वाले जो कंट्रीज और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। ये जो है सारे के सारे क्या थे, एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, इनके अंदर ड्रिफ्ट हुआ और उनकी वजह से क्या हो गया, ये आपस में एक दूसरे से टूट गए और अलग हो गए एक दूसरे से। आप देखिए फिगर की सहायता से आप देखिए, ये देखिए ये नीचे वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक लैंड मास था जो क्या था, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था। और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूरेशिया, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ल्यूरेशिया है जो पूरा का पूरा ऊपर वाले हिस्से में, और ये नीचे वाला आप देख रहे हैं तो ये है क्या था, गोंडवाना, ये पूरा का पूरा जो आपस में जुड़ा हुआ था लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ और इस तरीके से ये आपस में डिवाइड हो गया। तो देखिए ये जब आपस में फिर एक दूसरे से दूर मूव कर, ये जो आपस में इनकी मूवमेंट जो है
होती रही और जिससे ये एक दूसरे से दूर होकर बिखर गए। तो देखिए ये सबसे पहला जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये साउथ अमेरिका के रूप में आपको दिखाई देता है जब आप मैप के अंदर देखते हो। और ये देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आप देखते हो, और ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये हमारे इंडिया का पार्ट है, ये देखिए ये इंडिया, ये अंटार्कटिका है जो आपको दिख रहा है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। अब देखिए ये इंडिया जो है ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट इस तरफ होनी शुरू हो जाती है। जब इसकी मूवमेंट इस तरफ होती है तो ये इंडियन प्लेट जो है, ये यूरेशियन जो प्लेट है इसके साथ क्या करती है, कन्वर्स करती है, ऐसे कन्वर्स। जब ये कन्वर्स करती है ना, उसी वजह से हमारे जो माउंटेन्स हैं, कौन से माउंटेन, हिमालय, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में पाए जाते हैं, उसी की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर फोल्ड क्रिएट हो जाता है। जब इनके बीच में इस तरीके का कन्वर्जन एक दूसरे की तरफ फोर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में फोल्ड क्रिएट हो जाएंगे, फोल्ड्स, इस तरीके के फोल्ड बन जाएंगे, और इस तरीके के जो हमारे माउंटेन्स जो हैं वो हिमालय माउंटेन्स जो है वो इस तरीके से बन जाएंगे जब इनके अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। और इनके बीच में कौन सा सी था, थेथस सी। तो ये देखिए नाम याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि जब गोंडवाना लैंड से जब इंडियन जो प्लेट है वो अलग हुई थी तो वो जाके यूरेशियन प्लेट्स के साथ कन्वर्ज हुई, और बीच में जो थेथस सी था वो जो है उन दोनों के बीच में आया, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है क्या बने, वहाँ पर हमारे उस कन्वर्जेंस की वजह से, दोनों प्लेट की जो कन्वर्जेंस हुई उसकी वजह से फोल्ड क्रिएट हुए, और फोल्ड की वजह से ही वहाँ पर जो है हिमालयन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। तो ये देखिए इसमें जो है मैंने बताया कि हाँ यहाँ पर कौन कौन से पार्ट थे, देखिए इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो कन्वेंशन करंट की वजह से, कन्वेक्शनल जो करंट हुए उनकी वजह से इनके बीच में स्प्लिट हुआ, और उससे क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ पीसेस में टूट गए, और उसके बाद जो इनके अंदर ड्रिफ्टिंग हुई और ये जो है आपस में एक दूसरे से अलग गई। फिर जो इंडो यूरेशियन प्लेट है वो काफ़ी दूर चली गई इससे सेपरेट होकर, जो गोंडवाना लैंड से वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर गई, जो इंडियन यूरेशियन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर गई, और वो किसके साथ कोलाइड हुई, यूरेशियन प्लेट के साथ। ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो है यूरेशियन प्लेट के साथ क्या कर दिया, उसने कोलिजन किया। जब उसके साथ कोलिजन किया तो वहां पर क्या हुआ, ड्यू टू कोलिजन काफी सारी सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो वहां पर इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेटेड हो गई, और जिसकी वजह से वहां पर जो है जो थेथस सी था उसकी जगह पर ये जो है फोल्ड क्रिएट हो गई। क्या फोल्ड क्रिएट हुए, और फोल्ड क्रिएट होने की वजह से वहां पर क्या हुआ, हिमालय का जो है निर्माण हुआ, यानी वहां पर माउंटेन सिस्टम जो है वो बन गए, को हम क्या बोलते हैं, हिमालयस बोलते हैं। तो आई थिंक यही मैंने आपको बताया, और ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। जो हिमालयन अपलिफ्टमेंट है वो कहाँ से हुई, वो थेथस सी के अंदर से हुई है, कि ये आउट ऑफ थेथस सी जो है वो निकले हैं, ठीक है। उसके बाद सब्सिस्टेंस ऑफ है, क्योंकि थेथस सी जो है वो भी तो एक तरीके से हमारा जो है एक जो इन जो प्लेट है वो भी उसी के ऊपर तो लाई करता है थेथस सी। तो उसके अंदर जब भी इतना ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा, जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कन्वर्स करेगी और एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी और कन्वर्स करेगी, तो वो कहीं ना कहीं वो फोल्ड क्रिएट करेगी, और वो जो है उसको जगह चाहिए कहीं ना कहीं उसको निकलने के लिए। तो वो इस तरीके से हाइट के रूप में ऊपर की तरफ उठ गए। जब उनको जगह नहीं मिली कहीं भी जाने के लिए तो वो क्या हुआ कि ऊपर की तरफ उनके अंदर इस तरीके का फोल्ड क्रिएट हुआ, और इस तरीके से वहां पर क्या बना, वहां पर जो है हमारे हिमालयन माउंटेन का जो है निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके नॉर्थ की साइड में, मतलब इस साइड में, उसके साइड में यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हो गया। क्योंकि जब आपको पता है कि कोई चीज़ जो इस तरीके से फोल्ड क्रिएट करेगी तो कहीं ना कहीं जब उनका डिप्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और ये डिप्रेशन क्रिएट हुआ इसको किसके द्वारा फिल किया गया, जो इन माउंटेन से जो रिवर निकली गई है उनके द्वारा, जो सेडिमेंट्स लाए गए उनके द्वारा, जो भी सेडिमेंट्स, जो भी ग्रेवल, जो भी छोटे मोटे रॉक्स जो भी विदरिंग करके लाए गए वो इसके अंदर डिपॉजिट कर दिए गए। और जब इसके अंदर उनको डिपॉजिट कर दिया गया तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, प्लेन्स का निर्माण हुआ। तो जो हमारे गंगा के प्लेन्स आप देख रहे हैं, इंडस के प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, वो सारे के सारे इसी वजह से बने हुए हैं, वो यहीं से बने हुए हैं। वो सारे के सारे जो एलुवियल डिपॉजिट्स है वो यहाँ पर जो है नदन प्लेन्स का निर्माण करते है इंडिया के अंदर। वो जो भी हिमालय के अंदर से जितनी भी रिवर्स जो निकलती हैं वो अपने साथ जब सेडिमेंट्स लेके आती है और उनको उस डिप्रेशन के अंदर बार बार जब उनकी डिप्रेशन के अंदर से गुजरती है तो वहाँ पर क्या करती है, वो उसके अंदर उन सबको सेडिमेंट्स को जमा कर देती है, और एक तरीके से वो इस तरीके का फ्लैट लैंड जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम नदन प्लेन्स के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इंडिया के वो जो है मेनली कितने फिजिकल डिवीजन किए जा सकते हैं, किस तरीके से इंडिया को जो है फिजिकली डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो है हिमालय वाला पार्ट है,
जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद नदन प्लेन जो जो हमारे माउंटेन के हिमालयन माउंटेन के साउथ सदर डायरेक्शन में आते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नदन प्लेन हो जाएंगे। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नीचे की तरफ है हमारा वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इंडियन डेजर्ट जो हमारा राजस्थान के अंदर पड़ता है मोस्टली, और उसके साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्से में और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से में भी पड़ता है वो इंडियन डेजर्ट। उसके बाद कोस्टल प्लेन जो हमारा सी के साथ लगता है एरिया है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद आइलैंड्स जो हमारे जिसके चारों तरफ जो है वाटर ही वाटर मिलता है वो हमारे आइलैंड्स जो भी लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में जिसमें हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने इंडिया को जो है फिजिकल डिवीजन कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। तो आप देखिए एक फिगर की सतह से भी आप देख लीजिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज का है। ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जो है नदन प्लेन्स है। ये आपको पूरा का पूरा पेनिनसुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ये डेक्कन प्लेटू भी आपको दिख रहा है। ये देखिए ये डेजर्ट वाला है हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और इनके साथ साथ यहाँ पर जो आपको आइलैंड्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे। और सी के साथ लगता हुआ एरिया हमारा क्या कहलाएगा, कोस्ट लाइन जो भी है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट, कोस्टल एरिया। आप इसको इस फिगर की सहायता से भी आप अच्छे से देख सकते हैं किस तरीके से डिवीजन किया गया है। तो थोड़ा डिटेल में हम इनके बारे में जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन, तो देखिए हिमालयन जो माउंटेन है उनका मैंने बता दिया कि फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हुई है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यंग है और स्ट्रक्चुरली इनको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है क्योंकि इस तरीके से फोल्ड की तरह इस तरीके से क्रिएट किए हुए हैं। और ये हमारे जो है इंडिया के नदर बॉर्डर पर जो है वो लोकेटेड है। तो देखिए ये माउंटेन जो है इनकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए इधर से स्टार्ट होकर इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट इनकी डायरेक्शन है। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडस जो हमारी इंडस रिवर है वहाँ से लेकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक वहाँ तक फैले हुए हैं। ये एक तरीके से आर्क की तरह, आर्क मतलब एक चाप होती है जिसको ऐसे चाप लगाते हैं, इस आर्क की तरह जो है ये है। और ये कवर करते हैं कितना, 2400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है कवर करते हैं। अगर यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये लगभग जो है 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर हम इसकी जो है विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में इनकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर के करीब है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पर इनकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, 150 किलोमीटर तक रह जाती है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर जो है ये कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इसके जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाले पार्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलता है किसके अंदर, हाइट्स के अंदर, कि यहाँ पर जो है हाइट कहीं पर जो है बिल्कुल ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर जो है बिल्कुल कम हाइट के जो माउंटेन्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो आपको ज़्यादा हाइट होती है, एलिवेशन होती है, उसके ही माउंटेन मिलेंगे जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर है। अब देखिए हम हिमालय को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन को हिमालय रेंजेस को हम थ्री पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हम देखिए किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए आप इस मैप की सहायता से देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था इस वाले हिस्से में, देखिए यहाँ पर इनकी विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये कितनी है, 400 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ पर देखिए ये 150 किलोमीटर के करीब है, ये देखिए यहाँ पर 150 किलोमीटर के करीब है। और ये देखिए एक तरीके से आर्क के रूप में है, ये आर्क देखिए इस तरीके से ये चाप बनी हुई है आर्क के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए इसको तीन श्रेणी में डिवाइड किया गया है। तीन श्रेणी कौन सी, एक सबसे पहले ऊपर वाली श्रेणी है उसको हिमाद्री बोलते हैं हम, हिमाद्री, ये देखिए हिमालय, इसको हम हिमाद्री बोलते हैं या ग्रेटर हिमालय भी हम इसको बोल सकते हैं, ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं। और बीच वाला जो है उसका उसको कहलाते हैं मिडल हिमालय, मिडल हिमालय बोलेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम शिवालिक बोलेंगे। तो देखिए जो ग्रेट हिमालय है इसके अंदर जो माउंटेन रेंज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो लगातार है, कंटिन्यूस और काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसके अंदर जितनी भी माउंटेन्स है जैसे ये माउंट एवरेस्ट आपको दिखा दे रहे हैं, मकालू, कंचनजंगा और ये नामचा बारवा, इसके साथ साथ इधर आपको ये नंगा पर्वत वगैरह और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे, नंदा पर्वत, धौलागिरी और ये कामेट, ये इस तरीके के जितने भी हायर ऊंचाई के जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ग्रेट हिमालय का पार्ट है। उसके बाद अगर बात करें कि और ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है और अगर आपको इसको इसके इसको क्रॉस करना है तो आपको यहाँ पर जो है दर्रे जो होते हैं, पासिस वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बूमला, इनको नाम दिए गए हैं, शिपकिला और बारालचा, इस तरीके के नाम जो है वो दिए गए हैं, वो किनको नाम दिए गए हैं, पासिस। पासिस मतलब ये देखिए इस तरीके के इन दोनों के बीच में अगर थोड़ा सा, क्योंकि आप इनको क्रो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है इनकी, तो इनको अगर आप इस ओर से इस तरफ जाना चाहते हैं तो ये क्रॉस करना आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनको सिर्फ इन दर्रों की सहायता से ही पास किया जा सकता है। और ये दर्रे क्या होते हैं, देखिए जब दो माउंटेन होते हैं हाई हाइट के, बिल्कुल हाई हाइट के, उनके बीच में इस तरीके का ये जो डिप्रेशन जो क्रिएट हो जाता है इसके थ्रू आप इनको पास कर सकते हैं, तो यही क्या कहलाता है, ये पास कहलाता है। तो इस तरीके से आप जो है इनको इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं, इनको पासिस को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हमारा था हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय। उसके बाद बात करते हैं मिडल हिमालय के बारे में। देखिए मिडल हिमालय जो है हमारा, उसके अंदर जो मिडल थोड़ा सा कम हाइट के जो है माउंटेन्स मिलेंगे, ज़्यादा आपको ज़्यादा हाइट के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी जो है ज़्यादा हिल स्टेशन भी मिलेंगे। देखिए ये जो है थोड़े से मीडियम हाइट के होते हैं, इसमें आपको जो है ज़्यादा हाइट के नहीं मिलेंगे। ये आप लगा लीजिए 3000 से लेकर 4500 तक जो है, इतने करीब इतने माउंटेन आपको मिलेंगे, हाइट के माउंटेन्स मिलेंगे। और इसके अंदर जो है आपको काफ़ी सारी जो है वैलीज मिलेंगी। मिडिल हिमालय के अंदर जो है आपको जितने भी जो मोस्टली हिल स्टेशन जो आप घूमने चाहते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कुल्लू मनाली वगैरह, ये सारे के सारे आपको मिडिल हिमालय के अंदर मिलेंगे। उसके बाद शिवालिक की बात करें तो ये मिडिल हिमालय के साउथ में होते हैं। इनकी हाइट और भी कम होती है। और देखते हैं हम इसको थोड़ा सा, पहले आप ये देखिए ग्रेट हिमालय के बारे में देखिए। हिमाद्री सबसे फर्स्ट जिसमें हमने डिवाइड किया तो वो हिमाद्री है। अब देखिए इनकी हाइट जो है करीब 6000 से ऊपर तक होती है। इनकी एवरेज हाइट जो है 6000 के करीब होती है। मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हाइएस्ट पीक्स जो इसके अंदर मिलती है, ये काफ़ी एसमेट्रिकल होता है। एसमेट्रिकल मतलब इसके अंदर जो है हाइट में इस तरीके का वेरिएशन एसमेट्रिकल होता है। मतलब ये एक जैसे नहीं होते देखने में, तो इनका जो है नेचर काफ़ी ज़्यादा एसमेट्रिकल होता है, एक जैसे नहीं होते, सिमिलरिटी नहीं होती इनके अंदर। और इसके ये मोस्टली जो है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो रॉक होती है उसके बने होते हैं। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्नो वगैरह जो है इसी के इसके ऊपर डिपॉजिट रहती है, इसलिए जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए ये कुछ जो मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स जो है इस माउंटेन के अंदर, इन माउंटेन के अंदर मिलती है जो ये पार्ट वाली, ये वाली जो श्रेणी है हिमाद्री जो है इसके अंदर। देखिए जो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकालू, धोलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नापूर्णा, नंदा देवी और इसके साथ साथ कामेट, नामचा बारवा और गुरला मंदाता, तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं माउंटेन। इनकी हाइट देखिए इस तरीके से, इनकी जो हाइट है वो काफ़ी हाईएस्ट जो माउंटेन है वो आपको इसी जो माउंटेन श्रेणी है उसके अंदर मिलेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए ये जैसे केटू पर्वत आपको दिखाया हुआ, ये नंगा पर्वत है, इसके साथ साथ ये नंदा देवी है, यहाँ पर कंचनजंगा है, यहाँ पर आपको जो है माउंट एवरेस्ट भी मिल जाएगा, मैकालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर नेपाल के अंदर है। यहाँ पर आपको जो है नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स जो है वो यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा मैंने बात किया था कि मिडल हिमालय, यानी इनको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, मिडल हिमालय भी बोलते हैं। तो देखिए ये हिमाद्री के साउथ में जो है लाई करते हैं, और ये जो है मोस्टली हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो एल्टीट्यूड होती है देखिए 3700 से लेकर 4500 मीटर तक ही होती है। और इनकी विड्थ, विड्थ मतलब इस तरीके से चौड़ाई जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर ही है। और जबकि अगर इनकी जो एल्टीट्यूड की बात करें, इस तरीके से ऊंचाई की अगर बात करें, तो ये 3700 से लेकर 4500 मीटर तक ही होती है। इसके अंदर जो है पीर पंचाल रेंज पाई जाती है जो कि लॉन्गेस्ट है सबसे। इसके साथ साथ धौलाधर रेंज भी इसके अंदर मिलती है और माँ भारत रेंज भी इसके अंदर मिलती है। देखिए रेंज, रेंज क्या होता है, कई सारे माउंटेन्स जब लगातार कंटिन्यूस किसी श्रेणी में मिलते हैं तो उसको हम रेंज बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी जो वैलीज वगैरह, फेमस वैलीज इसके अंदर मिलती हैं, जैसे वैली ऑफ कश्मीर है, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वगैरह, मनाली है। तो ये सारे के सारे मोस्टली हिल स्टेशन जो है वो इसी श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक के बारे में। देखिए ये शिवालिक जो है वो हमारे लेसर हिमालय यानी मिडल हिमालय से साउथ में पड़ती है। तो देखिए ये जो है 10 से 50 किलोमीटर तक विड्थ होती है इसकी, और इसकी हाइट जो है वो कम ही होती है, 900 से लेकर 1100 मीटर तक ही इसकी हाइट होती है। अब देखिए ये जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब वैलीज जो होती हैं वो क्या होती हैं कि काफ़ी थिक ग्रेवल और एल्यूवियम, यानी जितनी जो भी हमारी रिवर्स वगैरह है वो अपने साथ काफ़ी सारे कंकड़ मिट्टी रेत वगैरह लेके आती है। वो मोस्टली मोटे मोटे जो चट्टाने वगैरह ग्रेवल्स वगैरह होते हैं तो वो सारे के सारे मोस्टली इन्हीं के जो इसके अंदर जो वैलीज पाई जाती है उनके अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। और ये जो वैलीज होती हैं जो मिलती हैं, ये वैलीज कहाँ मिलती हैं, देखिए ये लेसर हिमालय है, ये हमारा शिवालिक है, इन दोनों के बीच में जो वैली पाई जाती है इनको हम दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून। अब देखिए इनको कई फेमस दून भी आपने सुने होंगे, जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये काफ़ी सारे फेमस दून है। ये क्या मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैली जो किसके बीच में पाई जाती है, लेसर हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में पाई जाती है। मतलब ये मान लिया आपने लेसर हिमालय की रेंज है, ये हमारी शिवालिक की रेंज है, तो इनके बीच में जो मतलब जो प्लेन एरिया या डिप्रेशन टाइप का क्रिएट हो जाता है उनको हम वैलीज बोलते हैं, तो उनको हम दून बोलते हैं। तो देखिए इस ये जो है इनको मतलब रिवर वैली भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर से क्या करती है, रिवर जो है वो फॉलो करती है।
रिवर फॉलो करते हैं, इनको रिवर वैली भी बोला जाता है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा ये है, जो हमने अभी तो हमने डिवाइड किया है हिमालय को इस तरीके से, ये देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक के हमने इसको डिवाइड किया है। अब हम डिवाइड करते हैं, अभी हिमालय को हम वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करेंगे। अब देखिए वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड करने के लिए मोस्टली जो है रिवर वैलीज का यूज़ करेंगे। रिवर वैलीज कैसे, अब देखिए इंडस से लेकर अगर हम बात करें सतलज रिवर तक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय ये वाला पार्ट जो पंजाब हिमालय है उसके अंदर देखिए कि जो इंडस रिवर होती है और सतलज रिवर होती है इनके बीच में जो हिमालय पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। और इन्हीं को जो है कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। देखिए आप फिगर की सहायता से आप देखिए, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, और ये हमारी क्या है, ये देखिए ये सतलज रिवर है। इनके बीच में ये जो माउंटेन्स पाए जाते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय या जम्मू एंड कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो ये इनको इन नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। देखिए जो कुमायूं हिमालय है ये हमारे सतलज रिवर और काली रिवर जो है उसके बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद नेपाल हिमालय की बात करें तो ये जो है काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में पाए जाते हैं। असम हिमालय जो हमारे तीस्ता से लेकर दिहांग रिवर, दिहांग रिवर कौन सी है, हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर को ही दिहांग रिवर जो है बोला गया है, तो ये उसके बीच में पाए जाते हैं असम हिमालय। देखिए जो ब्रह्मपुत्र जो है हमारी वो क्या करती है, जो हमारे ईस्टर्न हिमालय की क्या है मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, मतलब जो हिमालय की जो इस जहाँ पर हमारे हिमालय जो है आगे जाके इस डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे हिमालय की लोकेशन है, इस तरीके से आगे जाके ये यहाँ पर टर्न हो जाते हैं। ये कहाँ से टर्न होते हैं, जहाँ पर हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर करती है, वहीं से ये इस तरफ टर्न ले लेते हैं। और जो इस तरफ टर्न लेने वाले ये जो हिमालय होते हैं ना इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं। ये हमारे क्या होंगे, पूर्वांचल। और इनके अंदर कौन कौन सी हिल पाई जाती है, इनके अंदर देखिए पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये जो है वहाँ के मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनके नाम पर रख दी गई है। जैसे नागालैंड के अंदर हो गया नागा हिल्स, मणिपुर के अंदर है तो मणिपुर हिल्स, ऐसे मिजो है तो मिजोरम के अंदर है तो मिजो हिल्स, इस तरीके से जो है इनको नाम दे दिया गया है। तो आप इसको एक बार और फिगर की सहायता से देख लीजिए। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा था जो इन दोनों रिवर्स के बीच में ये हमारा पंजाब हिमालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर हमारी यहाँ पर जो है यहाँ इसके आसपास जो हमारी काली रिवर है, तो ये काली रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम कुमायूं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद जो काली रिवर से तीस्ता रिवर तक के बीच का है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको नेपाल हिमालय बोल देंगे। और यहाँ से लेकर फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक है जो, उसको हम क्या बोलेंगे, असम हिमालय वो बोलेंगे। और ये देखिए नीचे की तरफ जो मुड़ा हुआ है जिसमें हमारे पटकाईबम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारी की सारी है, इनको हम पूर्वांचल, इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्वांचल बोलेंगे, क्योंकि पूर्वाद्री, पूर्वाद्री भी बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये हमारे जो है पूर्व की तरफ पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारे था हिमालय का डिवीजन, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ से साउथ तक कैसे हम अपने हिमालय को जो है उनकी डिवीजन कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने ईस्ट टू वेस्ट भी जो है हिमालय का डिवीजन देखा। अब हम बात करते हैं नदन प्लेन के बारे में कि नदन प्लेन जो है वो किस तरीके से बनते हैं और हम जो है उनका एरिया वगैरह क्या है और उनको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो नदन रिवर है मोस्टली हमारे नदन जो प्लेन्स है मोस्टली हमारे थ्री रिवर सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें मेन्स हमारे क्या है, एक तो इंडस रिवर सिस्टम है, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब जो रिवर्स इनके अंदर आकर मिल जाती हैं वो हमारे वो क्या कहलाती हैं, वो इनकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। इस तरीके से कोई रिवर आकर इनके मिल जाती है तो वो क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरी। अब देखिए ये एलुवियल सोयल से बने हैं, एलुवियल सोयल कहाँ से आती है, ये रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं वो क्या करती हैं, इन प्लेन्स के अंदर इन्होंने डिपोजिट कर दिए हैं और उसकी वजह से वो क्या बन गए हैं, प्लेन्स बन गए। ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये देखिए हिमालय के फुटहिल्स में लाई करते हैं, हिमालय जो है उसके फुटहिल में मतलब वहाँ के उसके साउदर्न पार्ट में जो लाई करते हैं।
इनका एरिया जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो है लगभग 2400 किलोमीटर तक लंबे हैं और 240 से लेकर 320 तक ब्रॉड है। तो ये आप जो इनकी हाइट वगैरह, इनकी जो लेंथ एंड विड्थ जो है वो आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि ये वाटर भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से, जो फ्रेश वाटर है वो आपको अच्छे से मिल जाता है। इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो देखिए, यहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। इसकी वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर वाटर सप्लाई भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो रिवर्स होती हैं, जब बिल्कुल नीचे की तरफ बिल्कुल अपने लोअर कोर्स में चली जाती हैं, तो इनकी जो पानी की स्पीड होती है ना, वो बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे माउंटेन से आएगी तो माउंटेन से जब आती है तो ऊंचाई से गिरती है, तो वहाँ पर इनकी जो चलने की स्पीड होती है, वाटर की जो स्पीड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन एरिया में आती है तो इनकी वाटर की जो स्पीड होती है वो कम होती चली जाती है। और जब कम होती चली जाती है तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है ना, तो वो उस एरिया के अंदर डिपॉजिट ज़्यादा कर देती है, जिस एरिया के अंदर उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर रिवर आइलैंड बन जाते हैं, रिवर आइलैंड बन जाते हैं उस स्पीड की वजह से, उस कम स्पीड की वजह से। अब देखिए, जो रिवर आइलैंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो माजुली है ना, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और वो किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है? वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। और ये आसाम के अंदर बनाया, आसाम के अंदर है जो माजुली आइलैंड है। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिब्यूटरीज जो पानी लेकर आकर, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ एक मेन रिवर के अंदर मिल जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं? देखिए, जब एक मेन रिवर में से छोटी छोटी नदियाँ निकाल करके उसके पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसमें से निकाल दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारे इंडिया के अंदर नदन प्लेन्स है। अब ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, जो इंडस रिवर फॉलो करती है। और ये वाला हिस्सा जो है गंगा प्लेन्स के द्वारा बनाया गया है, ये वाला जो है ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से नदन नदन का डिवीज़न है। देखिए, ये पंजाब, इस तरीके से इसका डिवीज़न किया गया है, जो नदन प्लेन्स है उसका डिवीज़न किया गया है। ये देखिए पंजाब, पंजाब प्लेन्स कौन से हैं, जिसके अंदर इंडस रिवर सिस्टम जो फॉलो करता है, ये मिडिल वाला गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, जो पंजाब वाला पार्ट है उसी को हम वेस्टर्न पार्ट भी बोलते हैं। जो पंजाब प्लेन वाला पार्ट है ना, उसी को वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं। उसके बाद गंगा प्लेन और उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न प्लेन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि इनको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। ये ज़्यादातर इसका लार्ज पार्ट जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है, इंडिया के अंदर थोड़ा कम ही पार्ट इसका लाई करता है। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी होती हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी की सारी जो रिवर्स है इसका पार्ट है। इसको ये डोमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? दोआब। दोआब क्या होता है? देखिए, जहाँ पर दो रिवर्स मिलती है ना, तो वहाँ पर क्या कर देती हैं, उसके बीच का जो एरिया कहलाता है वो दोआब कहलाता है। तो देखिए, दोआब का मतलब क्या है? मेड ऑफ टू वर्ड्स, टू वर्ड से बना है। दो, दो का मतलब होता है टू, और आब का मतलब होता है वाटर, यानी दो वाटर, यानी टू रिवर्स का वाटर, तो उसको बोलेंगे दोआब। देखिए, पंजाब नाम क्यों पड़ा है? पंच और अब, आब, ये देखिए आब, पंच, पंच मतलब पांच, फाइव, यानी आब का मतलब है वाटर, यानी जहाँ पर फाइव वाटर, फाइव रिवर्स का जो वाटर है वो जिस लैंड से फॉलो करता है उसको बोलते हैं पंजाब, इसलिए इसी का नाम जो है, इसका नाम जो है पंजाब पड़ा है। अब बात करते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में। अभी हमने बात की पंजाब प्लेन के बारे में, अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में। तो देखिए, जो गंगा प्लेन्स होते हैं वो हमारे मोस्टली जो है गंगा रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक फैले हुए हैं, यानी जो हमारी सतलज रिवर, जब वहाँ जहाँ पर हमारी सतलज रिवर है वहाँ से एंड हो जाती है, उसके बाद उधर से हमारी गंगा रिवर के साथ जो गंगा रिवर है वो गंगा रिवर के अंदर एंटर कर जाती है और तीस्ता रिवर, तो इनके बीच का जो पार्ट है उसको हम गंगा प्लेन बोलते हैं। तो देखिए, मोस्टली ये किस किस के अंदर है? ये मोस्टली जो हमारा नदर इंडिया के अंदर है। नदर इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये नदर्न इंडिया के अंदर है मोस्टली। जो पार्टली झारखंड, ये नीचे वाले एरिया हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और ब्रह्मपुत्रा वाले प्लेन्स वो मोस्टली किसमें है? वो आसाम के अंदर पाए जाते हैं, आसाम में, मेघालय वगैरह के अंदर, स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, नदर्न इंडिया, नदर्न जो प्लेन्स होते हैं उनको मेनली जो है फोर रीजन में डिवाइड किया गया है। जो नदन यानी गंगा के जो प्लेन्स हैं, जो उनको हम मेनली जो है चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो नदन प्लेन है उनको। तो देखिए, चार पार्ट किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? ये जो सोयल वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, कि किस तरीके की सोयल या कंकड़, रेत, मिट्टी वहाँ पर मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर। देखिए, ये जो बाबर वाला है जो एरिया है ना, इसके अंदर देखिए ये बिल्कुल माउंटेन के साथ लगता है एरिया। जब माउंटेन के साथ लगता है एरिया, तो आपको पता है कि जो माउंटेन से जब रिवर्स आती है ना, बहुत हाइट से आती है,
देखिए, जब माउंटेन से कोई रिवर आएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइट से ऐसे आएगी, तो जब हाइट से आएगी तो उसके साथ साथ जो होंगे काफ़ी सारे मोटे मोटे जो ग्रेवल्स पत्थर वगैरह उसके साथ होंगे, स्टोन्स वगैरह होंगे, काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे ग्रेवल्स होंगे। जब वो ग्रेवल्स इसके साथ आएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, तो जहाँ पर ये डिपॉजिट होंगे उस एरिया को क्या बोलेंगे, उसको हम बाबर बोलेंगे। और इस एरिया के अंदर आपको जो है पानी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने मोटे मोटे ग्रेवल्स होंगे, पानी इनके नीचे से फॉलो करता है, इस वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पर मोस्टली क्या होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर, मतलब 8 से 16 किलोमीटर। ये हमारे माउंटेन खत्म हुए, यहाँ से 8 से 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाएंगे, ये पेबल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब ये पेबल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपको जो है स्ट्रीम, यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो वो डिसपियर हो जाएंगी, जो रिवर्स होती हैं वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन पत्थरों के अंदर से आपको वो दिखेगी नहीं, अंदर से बहती है, इनके अंदर से वो जो है फॉलो करेगी। इसलिए इसको, इसके अंदर जो है बाबर बेल्ट जो होती है, जो 8 से 16 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, ये जो है कि इसके पैरेलल होती है, ये जो शिवालिक रेंज है उसके पैरेलल है। तो मैंने बताया जैसे ये शिवालिक माउंटेन यहाँ पर खत्म हो गया, उसके साथ जो है 8 से 16 किलोमीटर तक ये हमारी क्या फैली हुई है, बाबर बेल्ट फैली हुई है। और इस बाबर बेल्ट में जो है आपको रिवर्स जो है दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सबसे पहले जो जो प्लेन्स का एरिया है बाबर वाला वो है पार्ट ये। उसके बाद आता है तराई। तराई रीजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है रिवर आपको दोबारा से दिखाई देना शुरू कर देती है, यानी यहाँ पर जो आपको मार्सी मार्सी रीजन मिलेगा थोड़ा सा, जैसे दलदल वाला एरिया जो होता है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा जो है ये इतने कंकड़ मिट्टी रेत जो है इतना कंकड़ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रिवर्स जो है दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बंगर के बारे में। तो उसके बाद तराई का जो रीज़न होता है उसके बाद जो है बंगर का रीज़न जो आपको दिखाई देने लग जाता है। तो बंगर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो भी, अब यहाँ पर हमने जो मोटे मोटे पेबल्स यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए, उसके बाद जो भी रिवर के पास जितना भी सेडिमेंट्स वगैरह होता है, थोड़े और जो छोटे मोटे कंकड़ वगैरह होते हैं, वो इस एरिया के अंदर जो है वो बिछा देती है। इस एरिया के अंदर जो है ये हमारा तराई से आगे का रीजन है इसके अंदर। तो इस एरिया के अंदर जब वो करेगी, देखिए ये वाला एरिया जो है ना फॉरेस्ट वाला एरिया है, इसके अंदर से जब रिवर फॉलो करती है ये, इसके अंदर भी थोड़े बहुत सेडिमेंट्स जो अपने डालती है, तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट वगैरह ग्रो कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये थिकली फॉरेस्टेड होता है ये रीजन, और वेट होता है काफ़ी, स्वैम्पी होता है, मार्शी होता है, मतलब ये एक दलदल टाइप का जो एरिया होता है, इसके अंदर से रिवर जो है फॉलो करती हुई आगे एंटर करती है, वो आता है बंगर वाला रीजन। बंगर वाला जो रीजन है उसके अंदर ओल्ड एल्वियम पाई जाती है, ओल्ड मतलब ओल्ड मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि सबसे पहले रिवर्स जो है यहीं पर आकर जो है यहाँ से जब निकलती है, यहाँ से इस एरिया से निकलेगी फॉरेस्ट वाले एरिया से, तो वहाँ से भी जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ लाएगी तो वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट कर देगी। जब यहाँ पर आकर डिपॉजिट करेगी तो वो एक तरीके की ओल्ड एल्वियम हो जाएगी। उससे आगे जब जाएगी तो वहाँ पर जितने भी बिल्कुल और भी बारीक कण जो बच जाएंगे, बिल्कुल और भी बारीक जो कण बच जाएंगे वो वहाँ पर उसके अगले वाले हिस्से में डिपॉजिट करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, खादर। तो वो क्या कहलाएगी, यंगर और न्यूअर डिपॉजिट, क्योंकि वो सबसे लास्ट में डिपॉजिट हो रही है, उसको यंगर और न्यू डिपॉजिट बोलेंगे। तो देखिए आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर जो भी है ये किसके अंदर लाई करता है। ये देखिए बांगर वाला रीजन जो है फ्लड प्लेन्स के अंदर लाई करता है, जो मोस्टली हमारी रिवर जिसके अंदर से फॉलो करती है, फ्लड एरिया जिसके अंदर से उसका वाटर जो है फॉलो करता है, तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। इसके अंदर थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे जो कंकड़ वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर देखिए जो खादर होती है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके अंदर बिल्कुल बारीक जो सेडिमेंट आपको मिलेंगे, बिल्कुल रेत जैसे ही कण आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो होती है, तो क्योंकि वो अपने कंकड़ जो अपने साथ अपने कंकड़ नहीं लेके आती, वो सिर्फ जो महीन मिट्टी वगैरह होती है वही आगे लेके जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, खादर। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने बात की, अब जो हमारे नदन प्लेन थे उनको डिवाइड किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से सोयल वगैरह का निर्माण होता है, तो वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। देखिए जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको भी हम लगभग टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस चीज़ से बना। ये हमारा जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनसे बना है। देखिए जो हमारा डेकन प्लेट्यू है ना वो जितने भी वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं उनकी वजह से लावा के ठंडा होने से बना है, तो उसके अंदर जो भी क्रिस्टलाइन वगैरह हुआ या जो भी हीट या प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो बने हैं उनकी वजह से ये पेनिनसुलर जो पूरा प्लेट्यू जो है वो बन गया है। तो ये देखिए ये किसकी वजह से बना है, ये देखिए जो गोंडवाना लैंड है ना उसका पार्ट है, उससे ड्रिफ्ट होकर ये आया है। तो ये अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो गोंडवाना लैंड है वो क्या है, वहाँ से किस तरीके से ड्रिफ्ट हुआ, और ड्रिफ्ट होने के बाद जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया और वहाँ जाकर जो है ये
जुड़ गया। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो वैली होती हैं वो पाई जाती हैं और हिल्स भी जो इसके अंदर पाई जाती है। तो प्लेट्यूज़ वाला एरिया देखिए इस तरीके से होता है, थोड़ा टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरीके का स्टीप स्लोप होता है। ये माउंटेन की तरह नहीं होते, इनकी हाइट होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन माउंटेन का आपने देखा होगा कि नीचे से ब्रॉड जो है वो तेज़ जो बिल्कुल चौड़ा होता है, बेस जो चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल नैरो होते हैं। लेकिन ये जो है बिल्कुल टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्लेट्यू का होता है वो बिल्कुल टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हमारे आते हैं सेंट्रल हाईलैंड, दूसरे आते हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू क्या है। देखिए ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल हाईलैंड का है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेक्कन प्लेट्यू का। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज से ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये सेंट्रल हाईलैंड है, और ये नीचे वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से डिवाइड किया गया। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड देखिए आपने देखा है कि सेंट्रल हाईलैंड मैंने बताया कि इस तरीके से जो विंध्या रेंज है उसके ऊपर से है, और यहाँ पर जो आपने देखा वो अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज और विंध्या रेंज के जो आप बीच में आपने देखा है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। अब देखिए दी पार्ट लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर कहाँ से फॉलो करती है। देखिए नर्मदा रिवर जो है विंध्या और सतपुड़ा इन दोनों के बीच से जो है ये नर्मदा रिवर जो आपको दिखाई दे रही है ये फॉलो करती है। ये विंध्या रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है, ये रिवर जो फॉलो कर रही है ये हमारी नर्मदा रिवर है। तो इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा के जो है सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। अब देखिए इसका बड़ा जो पार्ट है, जो सेंट्रल हाईलैंड का बड़ा पार्ट है वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, उसको बोलते हैं मालवा प्लेट्यू। तो देखिए मालवा प्लेट्यू जो विंध्या रेंज जो है इसके साउथ में है, मालवा प्लेट्यू के ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पर मालवा प्लेट्यू मिलेगा। तो देखिए विंध्या रेंज इसके साउथ में होगी मालवा प्लेट्यू के, और अरावली अरावली जो है ये देखिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए जो वेस्टवर्ड सैंडी एंड रोकी डेजर्ट, ये देखिए वेस्ट में यहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा, जो राजस्थान के अंदर आपको दिख रहा है वहाँ पर डेजर्ट मिलेगा। उसके बाद देखेंगे हम कि जो ये होता है वाइडर इन द, ये जो है मतलब वेस्ट के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इधर वाइड है ये और इधर काफ़ी नैरो है, क्योंकि यहाँ से प्लेन निकल जाते हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल कम होता है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है यहाँ से बीच में से जो है नर्मदा रिवर इस तरीके से फॉलो करती है, ये आपको दिखाई दे रही है नर्मदा रिवर। ये विंध्या रेंज है, ये जो है मालवा प्लेट्यू। अब देखिए मालवा प्लेट्यू इधर जो है यहाँ पर डेजर्ट पड़ता है, यहाँ पर देखिए ये अरावली रेंज फर्स्ट नंबर पर जो दिखाई दी है वो अरावली रेंज है, और ये हमारा जो है इधर डेजर्ट है, डेजर्ट वाला एरिया इधर। और ये देखिए ये इस साइड में वेस्ट की साइड में ये देखिए चौड़ा है बिल्कुल, ईस्ट की साइड में ये बिल्कुल नैरो है, ये अभी आपको जो इसके अंदर बताया वही। उसके बाद देखिए इसके अंदर कौन कौन सी रिवर जो हम फॉलो करती हैं, चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा और केन जो है इसके अंदर फॉलो करती है। और ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये वाइडर है, वेस्ट में वाइडर और ईस्ट की तरफ जो है ये काफ़ी नैरो है। इसका जो ईस्ट में एक्सटेंशन है, अब देखिए ईस्ट में एक्सटेंशन की बात की है, ये देखिए मालवा प्लेट्यू के अगर ईस्ट की बात करें यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है वो प्लेट्यूज पाए जाते हैं, दो प्लेट्यूज है, वो ज़्यादा बड़े नहीं है छोटे ही है। तो देखिए इनकी अगर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू वो बिल्कुल ईस्ट में है, देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये देखिए, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये दामोदर रिवर के द्वारा इसको जो है क्या किया जाता है फॉलो मतलब ड्रेन किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। देखिए नीचे वाला जो पार्ट था सेंट्रल हाईलैंड के, जो सेंट्रल हाईलैंड थे उसके नीचे वाला ऐसे तीन कोण ट्रायंगल टाइप का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा था वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू था, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में था। तो नर्मदा रिवर जैसे यहाँ से फॉलो कर रही थी तो उसके साउथ में जो पार्ट था उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। देखिए सतपुड़ा रेंज जो है इसके नॉर्थ में है, यहाँ पर देखिए नर्मदा रिवर से नीचे मैंने दिखाई थी, ऊपर विंध्या रेंज थी, नीचे सतपुड़ा रेंज थी। तो ये सतपुड़ा रेंज है, तो ये देखिए इसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है। उसके बाद जो महादेव महादेव रेंज जो है वो भी यहाँ पर मिलती है, महादेव रेंज, कैमूर हिल्स ये भी यहीं पर मिलती हैं, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज ये यहीं पर है, मैकाल रेंज। तो इस तरीके से इसका एक्सटेंशन जो है यहाँ पर है नॉर्थ में। उसके बाद हाइयर इन द वेस्ट, ये वेस्ट में जो है काफ़ी हाई होता है, इधर इधर जो है इसका मतलब इस तरीके से स्लोप होता है, इस तरफ से ये हाई होता है वेस्ट की तरफ से, और ईस्ट की तरफ से थोड़ा जेंटली स्लोप करता है। और इसी वजह से जो रिवर होती है मोस्टली इसमें जो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर रिवर्स होती है मोस्टली इसी तरफ फॉलो करती हैं, जो भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी रिवर इसी तरफ फॉलो करती है। तो
देखिए इसका कुछ एक्सटेंशन आपको जो है इसका इसी प्लेट्यू का डेकन प्लेट्यू का एक्सटेंशन आपको कहाँ पर मिलेगा, मेघालय के अंदर भी मिलेगा। मेघालय के अंदर उसको हम खारबी एनालोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं या नर्दन कचार हिल्स भी बोलते हैं, नॉर्थ कचार हिल्स। देखिए आप इसको एक फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए ये नीचे जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल टाइप का, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। इसका देखिए कुछ हिस्सा, ये देखिए मेघालय, मेघालय के अंदर जो गारो खासी जयंतिया आपको हिल्स मिलते हैं ना, गारो खासी और जयंतिया तीन हिल्स आपको जो मिलती है वो इसी खारबी एनालोंग प्लेट्यू का हिस्सा है। मेघालय प्लेट्यू भी बोला जाता है इसको, और नदन कचार हिल्स भी बोला जाता है। तो यही है वो जिनको जो कि ये इसी का एक्सटेंशन है, जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये डेकन प्लेट्यू है इसी का एक्सटेंशन है। बस इसको क्या किया गया, रिवर के द्वारा इससे तोड़ करके बाइसेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि बीच में से रिवर फॉलो कर रही है तो उनकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इससे अलग कर दिया है बिल्कुल तोड़ के। अदरवाइज इसकी फॉर्मेशन जैसे हुई है, जैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है लावा के द्वारा, इसकी फॉर्मेशन भी वैसे ही हुई है। तो देखिए ये बता दिया कि इसको सेपरेट किया गया है, देखिए ये लिखा है इसको सेपरेट कर दिया गया है फॉल्ट के द्वारा, किसका, एक छोटा नागपुर प्लेट्यू और इसके साथ साथ जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स है उनके द्वारा इसको सेपरेट कर दिया गया है। थ्री प्रोमिनेंट जो हिल्स हैं इसके अंदर मिलती हैं वो कौन सी हैं, गारो खासी और जयंतिया, ये मैंने आपको बता दिया। गारो खासी और जयंतिया कहाँ पर मिलती हैं, ये देखिए ये आपको गारो, ये खासी और जयंतिया ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसी का पार्ट है। तो ये देखिए ये महादेव हिल्स, ये देखिए ये वाली जो आपको रेंज दिखा रही है सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स, मिलान हिल्स, मैकाल हिल्स, जो आप जिसकी जो है इस तरफ एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा डेकन प्लेट्यू है। अब देखिए हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट जो हमारे वो क्या है, मोस्टली वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, डेकन के वेस्ट में पाए जाते हैं। देखिए ये जैसे डेकन प्लेटू था उसके ये इस हिस्से में जो वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं, नाम से पता लग रहा है वेस्टर्न जो वेस्ट की तरफ पाए जाते हैं, वेस्टर्न जो ईस्ट की तरफ पाए जाते हैं वो ईस्टर्न घाट है। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल ही है किसके, जो वेस्टर्न कोस्ट होती है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब जो सी के साथ लगती हुई कोस्ट है, सी के साथ लगता जो एरिया है उसको बोलते हैं। तो उसके साथ साथ जो ये पैरेलली फैले हुए हैं और ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मतलब ये लगातार इस तरीके से फैले हुए हैं, ये बाइसेक्ट नहीं किए हुए हैं, इस तरीके से फैले हुए हैं। ये माउंटेन्स नहीं है, माउंटेन्स जो आपको आपके अलग होते हैं, घाट्स इस तरीके से होते हैं इस तरीके से, और माउंटेन्स आपके बिल्कुल अलग होते हैं, पीक होती है उनकी, चोटियाँ होती है, लेकिन घाट्स जो है इस तरीके से होते हैं, इनकी जो है कोई पीक नहीं होती है, चोटी नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है, अगर आपको इसको क्रॉस करना है तो इसके लिए भी आपको घाट्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो घाट्स होते हैं जैसे नाम लिया गया थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, इनके द्वारा ही आप इनको क्या कर सकते हैं, पास पार कर सकते हैं। जैसे नीचे कोई नीचे वाला ऐसे स्टिक अगर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है तो इनके थ्रू आप पास कर सकते हैं इनको। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो हाइयर होते हैं किनसे, ईस्टर्न घाट से, क्योंकि इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है, इनकी हाइट जो है 900 से 1600 किलोमीटर मीटर तक हो सकती है, 900 से 1600 मीटर होती है, जबकि ईस्टर्न की कितनी होती है वो 600 मीटर तक हो सकती है, 600 मीटर तक की एवरेज हाइट है। अब देखिए ये जो वेस्टर्न घाट होते हैं वो मोस्टली ओरोग्राफिक रेन कराते हैं। देखिए ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, अभी जो है मैंने रेन वाले चैप्टर में, जब मॉनसून वाला चैप्टर मैंने कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ओरोग्राफिक रेन क्या होती है। देखिए जब रेन जो है अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके आती है तो वो क्या करती है कि जब वो हिल्स, जब हिल से टकराती है, इधर जब टकराती है तो ये क्या करती है, इसकी इसकी स्लोप के साथ क्या है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ऊपर की तरफ जब वो मूव करती है ना तो वो जो है ज़्यादा ऊपर तक मॉइस्चर को जो है ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि एक टाइम लिमिट ऐसा ऐसी आ जाती है कि उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके लिए मॉइस्चर कैरी करना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है, और कंडेंस होने की वजह से वो क्या करती है, वहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होने लग जाता है। तो वहाँ पर यह हो जाती है ओरोग्राफिक, मतलब जो माउंटेन के वेस्टर्न स्लोप पर होती है। तो देखिए इसके जो है वेस्टर्न स्लोप पर क्या होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी रेन हो जाती है। तो इसलिए हम इसको जो है ओरोग्राफिक रेन बोलते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के, जब भी साउथ वेस्ट मानसून चलती है तो वेस्टर्न घाट पर क्या होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, किसकी, वेस्टर्न घाट की। जैसे ही आप जो है इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यहाँ पर कम है कम है कम है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा हाइट जो है इनकी मिलेगी। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पीक के नाम दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले अनाई मुड़ी का नाम दिया है जो कि 2695 मीटर है, इसके साथ दादा बेटा जो है उसका नाम दिया गया है 2637, और उसके बाद महेंद्रगिरी का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे माउंटेन्स जो है हमारे
ये महेंद्रगिरी, सॉरी ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर, महेंद्रगिरी जो है ये हमारा माउंटेन्स जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा है इसके अंदर है, ये हमारा ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स के अंदर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर है ना कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वेस्टर्न घाट के अंदर हमारा अनाई मुड़ी और दोदा बेटा है। तो ये देखिए ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है ये वेस्टर्न घाट के अंदर ही आते हैं, जो आप ये सह्याद्री है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट को ही बोला जाता है। अब देखिए ये कुदेरमुख और ये सारे के सारे नीलगिरी, ये अन्नामलाई, ये सारे के सारे इसी के अंदर वेस्टर्न घाट के अंदर ही मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में। देखिए ईस्टर्न जो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट वाले पोर्शन में है, देखिए इस वाले पोर्शन में है जो, उसको हम क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब देखिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है, डाइसेक्ट है, मतलब बीच बीच में से टूटे हुए हैं, ये देखिए बीच बीच में से इस तरीके से। वो क्यों टूटे हुए, क्योंकि इनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रिवर जो है वो फॉलो करती है। तो आपने देखा है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तरीके की रिवर जो है वो यहाँ पर अंदर से फॉलो करती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डाइसेक्ट किया गया, इनको तोड़ा गया। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी हिल्स मिलती हैं जो है, जैसे सेवरो हिल्स, जावेदी हिल्स, ये सारी की सारी हिल्स जो है इसी के अंदर घाट्स के अंदर पाई जाती हैं। कुछ हिल स्टेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, उदामंडलम, और इनको जो है ऊटी के नाम से और कोडाई का कनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इस तरीके के हिल स्टेशन जो आपको ईस्टर्न घाट के अंदर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारे क्या है ईस्टर्न घाट है। देखिए इसके अंदर ये जावेदी हिल्स, सेवरोय हिल्स, नगारी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, तो इस तरीके काफ़ी सारे हिल्स जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी तरीके से आप इधर भी देख सकते हैं, ये हमारा जो है वेस्टर्न घाट था, यहाँ पर हमारे हिल जो नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर देखिए दौदा बेटा, अन्नामलाई, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी के सारी हिल्स जो है यहाँ पर दिखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अब ये इंडियन जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा जो है वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, वेस्टर्न पार्ट जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात का कुछ एरिया है, इसके साथ साथ पंजाब का और हरियाणा का भी कुछ एरिया इसके अंदर लगता है। तो देखिए ये जो है डेजर्ट वाला पार्ट है जो अरावली के वेस्ट में लाई करता है, जो अरावली रेंज मैंने आपको दिखाई थी उसके वेस्ट में है। इसके अंदर ये सेंड से जो है, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंड धुंध पाए जाते हैं, सैंडी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेत ही रेत आपको यहाँ पर दिखेगा। और रेनफॉल यहाँ पर बिल्कुल 150 मिलीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर से भी जो है कम बारिश होती है। काफ़ी एरिड, मतलब काफ़ी शुष्क जो है यहाँ का एनवायरनमेंट है, वाटर नहीं होगा तो शुष्क होगा, तो उसकी वजह से वेजिटेशन भी यहाँ पर बहुत कम होगी, यानी प्लांट्स वगैरह, शब्स वगैरह, ये जो है मतलब यहाँ पर शब्स आपको मिलेंगी, प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम्स जो है, नदियाँ वगैरह सिर्फ तभी होती हैं जब रेनी सीजन होता है, जब रेनी सीजन होता है तभी यहाँ पर जो रिवर्स के अंदर पानी आता है। तो एक मेन जो रिवर है वो लूनी रिवर है जो कि राजस्थान के अंदर से फॉलो करती है और रन ऑफ कच्छ में जा करके जो ये विलुप्त हो जाती है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है, तो वहाँ जाकर ये विलुप्त हो जाती है। सिर्फ यही एक लार्ज रिवर है जो इसके अंदर से फॉलो करती है। देखिए बारचान क्या होते हैं, बारचान कवर लार्जर एरिया। अब इसके अंदर बारचान क्या होते हैं, देखिए इस तरीके से अगर ये क्रेशेंट शेप का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, किसके द्वारा, सैंड के द्वारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है विंड जो है अंदर का जो हिस्सा है इसको क्या करती है, जब विंड चलती है तो यहाँ से क्या करती है ये रेत वगैरह को उड़ाती रहती है और इधर जाकर डिपोजिट कर देती है। तो इस तरीके से एक जो अर्धचंद्र जैसी शेप बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम बारचांस बोलते हैं, मतलब ये जो एक तरीके के क्रेसेंट टाइप शेप की धुन बन जाती है, तो इनको बोलते हैं हम बार चांस। उसके बाद होती है कुछ लोंगिट्यूडनल धुन, लोंगिट्यूडनल धुन जो ये मिलती है मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके साथ मिलती है। हम लोंगिट्यूडनल धुन क्या होती है, देखिए जब रेत चलती है तो इस तरीके का जो है लोंगिट्यूडनल इस तरीके की जो है धुन वगैरह बनाती है, इस तरीके से डाइसेक्ट कर देती है, यानी बीच बीच में से जो है रेत जो है उड़ जाता है और यहाँ पर क्या रह जाती है, थोड़ी थोड़ी सी रेत की जो है सेंड की लेयर रह जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोंगिट्यूडनल धुन। ये इस तरीके से लोंगिट्यूडनल जो धुन बन जाती है उनको बोलते हैं। तो जब इनके अंदर से एयर जो है वो फॉलो करती है तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोंगिट्यूडनल धुन, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, बार चांस। तो ये देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंडियन डेजर्ट ये आप देख सकते हैं, ये गुजरात के कुछ एरिया के अंदर है, राजस्थान और यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के अंदर भी ये आता है। उसके बाद बात करते हैं हम कोस्टल प्लेन के बारे में। देखिए जो सी के साथ लगता हुआ एरिया है उसको हम कोस्टल प्लेन बोलेंगे। देखिए वेस्टर्न में क्या है कि वेस्टर्न में अरेबियन सी, अरेबियन की सी के साथ जो लगता हुआ एरिया है वो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है, और बे ऑफ बंगाल के साथ लगता हुआ एरिया जो है वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट है।
तो देखिए, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो इस वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच की तरह है। सैंडविच की तरह, जैसे इधर अरेबियन सी है और इधर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। एक नैरो प्लेन होते हैं बिल्कुल, और ये जो है इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम कोंकण के नाम से बोलते हैं, जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट को हम कन्नड़ या कनारा प्लेन के नाम से बोलते हैं, और उसके बाद हमारा नीचे की तरफ जो केरला वाला पार्ट है उसको मलाबार कोस्ट बोलते हैं। ये देखिए, इसको फिगर की सहायता से देख लीजिए, जैसे मुंबई मुंबई वाला जो एरिया वहाँ से लेकर ये गोवा वाला जो एरिया है इसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ गोवा से लेकर ये कर्नाटका वाली जो कोस्ट है इसको हम कन्नड़ या कनारा कोस्ट बोलते हैं, कन्नड़ या कनारा कोस्ट। उसके साथ ये वाला जो केरल के साथ जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली कोस्ट, इसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हम थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन के बारे में, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। देखिए, ईस्टर्न कोस्ट के अंदर क्या होता है कि ये काफ़ी वाइड होती है, इनकी जो विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि वेस्टर्न की कम होती है। जैसे वेस्टर्न अगर इतने स्ट्रिप्स में फैले हुए हैं तो जो ये ईस्टर्न है वो थोड़े ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं इस तरीके से। तो देखिए, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो नर्दर्न पार्ट है उसको हम नर्दर्न सरकास बोलते हैं, और उसके साथ जो सदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिवर्स जो हम फॉलो करती हैं, जो डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या करती है कि वहाँ पर जो है डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए, चिल्का लेक जो है वो भी इसी इसी जो कोस्ट है उसके अंदर लाई करती है। चिल्का लेक जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है, और ये जो है उड़ीसा स्टेट के अंदर जो है मिलेगी, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में है। देखिए, इसको एक बार देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा उड़ीसा है, और उड़ीसा के अंदर ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो है चिल्का लेक है, और ये जो महानदी का डेल्टा है उसके साउथ में यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस तरीके से इसका जो इधर वाला जो पार्ट है इसको नदन सरकास बोलते हैं, और ये इधर वाला पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और ये देखिए, इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, बजाय कि जो हमारी ये वेस्टर्न कोस्ट है इससे ईस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ये इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स भी आपको एक बार दिखाई दे गए हैं। वेस्टर्न घाट को भी इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, नदर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, सदर्न वेस्टर्न घाट, ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट। अब देखिए, ये डिवीज़न जो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए डाल दिया कि अगर आपको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज ये जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, ये आप यहाँ पर जो है ईस्टर्न घाट की भी पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये बीच बीच में डाइसेक्ट किए हुए गए हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो है काफ़ी रिवर्स जो है वो फॉलो करती है, तो बीच बीच में से ये डाइसेक्टेड है, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरीके की रिवर जो है मेन रिवर इनके अंदर से फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। देखिए, हमारी कंट्री के अंदर जो है टू टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं। सबसे पहला एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि हमारी केरला के वेस्ट में बिल्कुल, जैसे ये जो है इधर केरला है तो इसके वेस्ट में यहाँ पर जो हमारे क्या है लक्षद्वीप आइलैंड मिलेंगे, और ये जो है कोरल आइलैंड है, कोरल के द्वारा बने हैं। कोरल क्या होते हैं, देखिए ये जो है मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोरल जो है काफ़ी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब वो क्या होते हैं कि वो मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पॉलिप्स और कोरल क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, और जो कोरल होते हैं उनके अंदर मतलब एक तरीके से, मैं आपको ये स्लाइड्स में देखकर ये मैं स्लाइड की सहायता से आप देखिए कि कोरल क्या होते हैं, ये एक तरीके के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं सॉल्ट लाइट छोटे टाइम के लिए जीवित रहते हैं। ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि कॉलोनीज के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि सैलो वाटर के अंदर रहते हैं, और जो वाटर जो है मड फ्री होता है, जिसके अंदर मतलब बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर मिलते हैं, और थोड़ा सा वार्म वाटर होता है। देखिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर हो जाता है तो ये वहाँ पर भी लाई नहीं करते हैं, अगर हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको मतलब उसको छोड़ते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, फिर इनके ऊपर परत जम जाती है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये वहीं पर जमा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर नए कोरल्स जो है वो पैदा होते हैं,
और उसके साथ साथ फिर क्या करते हैं कि वो फिर से जब उनकी डेथ हो जाती है फिर से वो जमा हो जाते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि इनकी डिपॉजिट होती चली जाती है। तो देखिए इनका जो जो ये सिक्रेट कर ये जो छोड़ते हैं ये कार्बन जो ये कैल्शियम कार्बोनेट ये जो सिक्रेट करते हैं ये, और इनके जो स्केलेटन होते हैं वो क्या होते हैं एक तरीके से डिपॉजिट बना देते हैं। वो डिपॉजिट बार बार जब डिपॉजिट हो जाती है तो एक तरीके से कोरल का रूप ले लेती है, मतलब एक तरीके से कोरल रीफ बना देती है, वो रीफ रीफ का रूप ले लेती है, और इस तरीके से आइलैंड जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो देखिए ये मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे होते हैं बैरियर रीफ होते हैं, दूसरे होते हैं फ्रिंज रीफ होते हैं, तीसरे होते हैं टोल। अब देखिए बैरियर बैरियर जो होते हैं इस तरीके से जो कोस्ट के साथ साथ पाए जाते हैं, मान लिया ये इंडिया की कोस्ट है तो इसके साथ साथ जो बैरियर के रूप में अगर ये कोरल इस तरीके से पाए जाते हैं तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं बैरियर। एक होते हैं फ्रिंज रीफ्स, फ्रिंज क्या होते हैं देखिए फ्रिंज ऐसे होते हैं इस तरीके से गोलाई में अगर यहाँ पर जो है ये पूरे के पूरे ये डेवलप हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रिंज। तो यहाँ पर पूरे के पूरे जब ये डेवलप हो जाएंगे कोरल डेवलप हो जाएंगे इस तरीके का शेप ले लेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्रिंज रीफ। एक होते हैं अटोल, अटोल क्या होते हैं देखिए अटोल भी ऐसे ही होते हैं लेकिन अटोल के अंदर क्या होता है कि बीच वाले हिस्से में तो पानी भरा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी कोरल नहीं होगा, लेकिन इस हिस्से में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला पानी से हिस्सा भरा होगा लेकिन यहाँ पर कोरल आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, ये हमारे क्या हो जाएंगे अटोल्स। और ये जो बीच वाले हिस्से में होंगे और इसके चारों तरफ वाटर होगा तो ये क्या हो जाएंगे फ्रिंज रीफ्स हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारे जो है कोरल्स वगैरह बनते हैं। तो इसमें ग्रेट बैरियर रीफ का जो एग्जांपल दिया हुआ है देखिए ये हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा कॉन्टिनेंट है इस तरीके से है, उसके इस कोस्ट पर जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ साथ लगती हुई काफ़ी जो बड़ी जो है कोरल की कोरल का एक बैरियर मिलता है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ भी बोलते हैं। तो आई थिंक कोरल कोरल के बारे में आपको समझ आया गया होगा कि कोरल किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो है इनको पहले जो नाम दिया जाता था वो लकादीव, मिनिकोय और अमीन दीव इन के नाम से जाना जाता था, मतलब ये तीन नाम जो है इनको दिए हुए थे लेकिन बाद में 1973 में इनको इनका नाम जो है लक्षद्वीप रख दिया गया। उसके बाद देखिए ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो है टोटल इनका एरिया होता है, जितने भी आइलैंड होते हैं उनको अगर टोटल इनका एरिया मिला दिया जाए तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर होता है। करावती जो है इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मतलब इसकी कैपिटल है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो करावती है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी में फ्लोरा और फ्योना जो है वो पाया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह एनिमल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक देखिए इसके अंदर पीटी आइलैंड है, पीटी जो आइलैंड है ना वो अनहैबिटेड है, अनहैबिटेड मतलब यहाँ पर कोई भी जो है कोई भी इंसान नहीं रहता है, कोई भी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या है सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी बना दी गई है, यानी जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनाई गई है उसको हम बोलते हैं बर्ड सेंचुरीज, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। देखिए इस तरीके से ये जो है आपको दिखाई दे रही है ये केरला, केरला के मलाबार कोस्ट है, इसके वेस्ट में ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हो जाएंगे, ये देखिए कालापानी, करावती, अमीनी, ये जो है हमारे मिनिकोय, ये सारे के सारे जितने भी आइलैंड है इनको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं और ये सारे के सारे कोरल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो ग्रुप आइलैंड है उसका नाम है हमारा अंडेमान निकोबार। तो देखिए नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है, ये देखिए इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से फैला हुआ है, ये काफ़ी बिगर है साइज में रादर देन कि जो हमारा लक्षद्वीप था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन ये काफ़ी बिगर है और ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा आइलैंड इसके अंदर पाए जाते हैं जो स्कैटर्ड हैं, जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, काफ़ी दूरी तक फैले हुए हैं। अब देखिए ये जो है इसको भी टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक हमारे हो जाएंगे अंडेमान और नीचे हो जाएंगे हमारे निकोबार, तो नॉर्थ में अंडेमान हो जाएंगे और नीचे हमारे क्या हो जाएंगे साउथ में निकोबार। तो देखिए ये जो है एक तरीके से माउंटेन्स के डूबे हुए पार्ट है जो कि ऊपर जो है हमें सी से ऊपर दिखाई देते हैं, मतलब इनके नीचे जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि काफ़ी जो है माउंटेन्स है और उनका जो है कुछ हिस्सा जो है समुद्र से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये माउंटेन का पार्ट है। तो ये जो है कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन पर ये भी एस्टेब्लिश है क्योंकि सी के अंदर एस्टेब्लिश है, आप इनको एक अच्छे तरीके से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने के लिए आप एक तरीके से अच्छा बेस जो है इनको बेस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो काफ़ी इसके अंदर भी काफ़ी जो फ्लोरा एंड फ्योना है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है क्योंकि ये नियर द इक्वेटर सिचुएटेड है और आपको बताया था कि इक्वेटर के पास में या इक्वेटर वाले एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो मिलती है। देखिए ये मैंने बताया कि नियर द इक्वेटर जो है ये लाई करते हैं, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट भी जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के जैसा होगा, थिकली जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बैरन आइलैंड है, जो आइलैंड है बैरन आइलैंड, ये यहाँ पर जो है इंडिया का ओनली
एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, यहाँ पर बिल्कुल अलग से आपको मिलेगा। जो ये अंडेमान वाले आइलैंड है इनके अंदर बिल्कुल अलग से यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड मिलेगा, उस पर आपको मिलेगा ये बिल्कुल अकेला ऐसा एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो तो मैंने आपको बताया जहाँ पर वोल्केनिक लावा वगैरह मैग्मा वगैरह का इरप्शन होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वोल्केनो। तो ये देख लीजिए ये हमारे क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडेमान निकोबार है। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया, ये पूरे के पूरे ये इन अंडेमान वाला हिस्सा है और ये आपको दिखाई दे रहा है ये निकोबार का हिस्सा है। इसको 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया गया है और यहाँ पर जो है आपको एक बैरन आइलैंड मिलेगा जो कि एक्टिव वोल्केनो है। तो देखिए कोरल मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है कोरल वगैरह बनते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो एक तरीके के सॉर्ट जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये इनको जो है ये मतलब एक तरीके से कॉलोनीज में रहते हैं। मतलब अकेला जो जीव होता है उसको हम कोरल बोलते हैं, लेकिन जब वो एक तरीके से वो बना लेते हैं तो वो पूरी की पूरी एक कॉलोनीज हो जाती है उनकी, जब बहुत सारे होते हैं मात्रा में तो वो कोरल पॉलिप्स बन के एक पूरी कॉलोनी बना देते हैं। और ये जो ऐसे वाटर में होते हैं जो बिल्कुल साफ होता है और थोड़ा सा जो है छिछला वाटर होता है, मतलब शैलो होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए वाटर, थोड़ा सा वार्म वाटर होना चाहिए। वहाँ पर ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, मतलब उसको छोड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो भी कोरल जो है वो मरते हैं या उनकी जब डेथ होती है तो उनके जो भी स्केल्टन है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की जो परत वगैरह वो जमती चली जाती है। जब बार बार जब उनका डेथ होती है उनके स्केल्टन डिपोजिट होते हैं तो उनकी वजह से जो डिपोजिट होने की वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, रीफ की फॉर्म ले लेते हैं। और रीफ मैंने बताया वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो उन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे क्या बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं। देखिए आपकी फिगर की सहायता से देखते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपने जो है, इस तरीके की चमकदार चीज़ें जो आपने देखी हुई है, देखिए इस तरीके से ये कैल्शियम कार्बोनेट की ये परत आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जो ये जीव है ये आप देख रहे हैं, इनके ऊपर ये उग जाते हैं। अब जब कल को इनकी डेथ हो जाएगी अब तो ये आपको जीवित आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके अंदर आपको देखिए कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनका कलर वगैरह सब गायब हो जाता है और ये बिल्कुल एक तरीके से रंगहीन हो जाते हैं। और फिर से जो है इनके स्केल्टन यहीं पर जो है मतलब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर इनके ऊपर जो दूसरे कोरल हैं वो पैदा होते हैं। तो इस तरीके से ये पैदा होते होते तरीके से ये देखिए एक पूरी आइलैंड की जो इसने शेप ली है, ये पूरा का पूरा आइलैंड क्रिएट हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं कोरल आइलैंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की जो वेजिटेशन जो है वहाँ पर ग्रो करती है, जो हमारे कोरल्स होते हैं इस तरीके के जो है वेजिटेशन ग्रो करती है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा फोना क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी फिशेज जो हैं, जितने भी एनिमल्स, देखिए एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, मोस्टली यहाँ से क्या करते हैं अपना जो है भोजन वगैरह लेते हैं। अब देखिए इनके ये बिल्कुल रंगहीन हो चुके हैं, अब ये धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ से जो है इनके डेड जो है ऑर्गेनिज्म वो यहाँ पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इनके स्केल्टन जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, एक तरीके से ये क्या कर लेंगे, एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम कोरल रीफ्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेशन एंड फॉर गेटिंग PDF इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। लिंक फॉर द चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and take care of yourself. God bless you.